कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ, आइए दोस्तों उस इंसान से मिलते हैं जिसने सोच लिया था कि मैंने अपना जन्म तो गरीबी में लिया है लेकिन मरना गरीबी में बिल्कुल भी नहीं। उस युवक ने सोच लिया था कि सारी मुसीबतें पार करके उगते सूरज की तरह चमकना है। मात्र 13 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी नामक शब्द की समझ आ गई और 13 साल की उम्र में ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, इसीलिए ये बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझकर इन्होंने टेली कॉलिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सेल्समैन जैसी नौकरियां की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दी कि कौन सा काम छोटा या बड़ा होता है, और 20 से ज्यादा कंपनियों और इंस्टीट्यूट्स में नौकरी की। दोस्तों, यह सब करने के पीछे उनका एक कारण था, घर की आर्थिक स्थिति खराब होना। उन्होंने अपनी खुद की शिक्षा के लिए, अपनी खुद की पढ़ाई के लिए अनेकों जगह काम किया। अचानक लाइफ में मोड़ तब आया जब उनके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया और इस दुनिया से चले गए। घर की सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई थी क्योंकि घर में सबसे बड़े यही थे। वो कहते हैं ना, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, इन्होंने घर परिवार के कहने पर सरकारी नौकरी की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि इनका इंटरेस्ट कुछ अलग ही था। दोस्तों, उन्होंने समझ लिया था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। लीडरशिप जैसी स्किल्स होने के कारण इनका फोकस बिजनेस की तरफ रहा। मात्र 21 साल की एज में एज अ मोटिवेशन स्पीकर का सफर शुरू हुआ। इन्होंने खुद का अपना स्कूल भी ओपन किया, लेकिन कहते हैं कि कुछ वक्त और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल को छोड़ना पड़ा। फिर यहां से शुरू हुआ संदीप विश्वकर्मा का मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर बनने का सफर। यहां से उनकी जिंदगी में मोड़ आया और फिर उन्होंने खुद की कंपनी खोली और साथ में एक ट्रेनर के तौर पर काम करते रहे। दोस्तों, आज ये 20 से भी ज्यादा टॉपिक्स पर अपनी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप, कैरियर काउंसलिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ एक्सेट्रा, और एक सफल ट्रेनर है। दोस्तों, यह यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। अब तक वह 40 से ज्यादा सेमिनार ट्रेनिंग दे चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं। 6 देशों से ज्यादा में इनके वीडियो देखे जाते हैं, और यही नहीं, हर महीने 10,000 से ज्यादा लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं। यह YouTube के माध्यम से लोगों को मोटिवेट एंड सपोर्ट करते हैं। यह एकमात्र ऐसे ट्रेनर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर पूर्णतः डेडिकेटेड है। दोस्तों, आने वाले समय में इनकी एक बुक भी आ रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, जब इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी तो इनके पहले सेमिनार में मात्र 30 लोग ही आए थे, लेकिन आज इनके सेमिनार हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं। इनका उद्देश्य है कि 50 से ज्यादा बुक लिखना और डिजिटल कोर्स लॉन्च करना, आने वाले 5 साल में 1,00,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलना। ये कहते हैं कि मैं सफल हूँ, मैं आपको भी सफल करूंगा। इसी के चलते ये 10,000 से ज्यादा कोच व ट्रेनर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है संदीप विश्वकर्मा जी का, जिससे पता चलता है इनकी सफलता का। कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर मिस्टर संदीप विश्वकर्मा से।